Minister Narendra Modi on Saturday warned against the targeting of Kashmiris in the wake of the Pulwama terror attack, speaking out for the first time since violence broke out over a week ago in many parts of the country. "Our fight is for Kashmir, not against Kashmiris. Kashmiris have suffered the most due to terrorism, and the rest of the country must stand in their support," he said at a rally in Rajasthan's Tonk. "Hamari ladai आतंकवाद के खिलाफ है, मानवता के दुश्मनों के खिलाफ है। हमारी लड़ाई कश्मीर के लिए है, कश्मीर के खिलाफ नहीं है। कश्मीरियों के खिलाफ नहीं है। पिछले दिनों कहां क्या हुआ, घटना छोटी थी कि बड़ी थी, कश्मीरी बच्चों के साथ हिंदुस्तान के किसी कोने में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुद्दा ये नहीं है। इस देश में ऐसा होना नहीं चाहिए। कश्मीर का बच्चा बच्चा वो भी इन आतंकवादियों से परेशान है, वो भी आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमारे साथ आने के लिए तैयार है। हमें उसको साथ रखना है। आपने देखा होगा अमरनाथ की यात्रा, देश से लाखों श्रद्धालु जाते हैं। अगर उनकी कोई देखभाल करता है तो ये मेरा कश्मीर का बच्चा करता है, कश्मीर के लोग करते हैं। एक साल पूर्व अमरनाथ यात्रियों पर गोली चली थी और आपने टीवी पर देखा होगा, उन यात्रियों को जब गोलियां लगी वे घायल हुए, तो उनको खून देने के लिए कश्मीर के मुसलमान कतार लगा करके खड़े हो गए थे, हिंदुस्तानियों की जान बचाने के लिए खड़े हुए। आज भी कश्मीर में जैसे हिंदुस्तान के जवान मरते हैं, शहीद होते हैं, वैसे कश्मीर के लाल भी ये आतंकवादियों की गोलियों से शहीद होते हैं। और इसलिए जब कुछ लोग भले वो दो हो, चार हो, पांच हो, लेकिन ऐसे लोगों की ऐसी हरकतें उन लोगों को ताकत देती है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग वालों को आशीर्वाद देने जाते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह ये नारा देने वाले लोगों को, आशीर्वाद देने वालों को ताकत देने का पाप मेरे देश का कोई नागरिक नहीं करेगा। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मेरा कश्मीर का लाल, उसकी हिफाजत करना मेरे हिंदुस्तान के हर नागरिक का काम है। बताओ भाइयों, हाथ उठाकर, आप ये जिम्मेवारी निभाओगे क्या? मैं देश से अनुरोध करता हूं, हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, मानवता के दुश्मन जो है उनके खिलाफ है। और मैं कश्मीर के मेरे भाइयों बहनों को भी विश्वास दिलाता हूं, 40 साल से आप भी आतंकवाद के भुक्तभोगी हो। 3 जिलों में कुछ मुट्ठी भर लोगों की पनाह से ये खेल चलता रहा है, चाहे जम्मू हो, लद्दाख हो, कश्मीर के और इलाके हो, वे आज भी शांति चाहते हैं। आप जानकर के हैरान हो जाओगे, कभी बहुत सी बातें मीडिया में सुनने को नहीं मिलती है। 2 साल पहले कश्मीर के पुराने पंच सरपंच, क्योंकि कई वर्षों से वहां चुनाव नहीं हुआ था, 100 से ज्यादा पंच सरपंच प्रधानमंत्री निवास स्थान पर मुझे मिलने आए थे।
सारे कश्मीर घाटी के से, तो मैंने उनसे कहा आप आए हैं मुझे खुशी है। उनकी मांग थी कि चुनाव करवाओ, वहां पंचायत के चुनाव नहीं हो रहे थे, अभी पंचायत के चुनाव हो गए और आप जानकर के खुशी होंगे 70-75% मतदान करके पंचायत के चुनाव में लोगों ने हिस्सेदारी की है। भाइयों बहनों, उन सरपंचों से मैंने कहा था 2 साल पहले, तब तो सरपंच नहीं रहे थे लेकिन पहले सरपंच थे, मैंने उनसे कहा आप मुझे एक वादा करिए और वादा निभाना होगा। तो मेरे कश्मीर घाटी के इन भाइयों बहनों ने मुझे कहा कि मोदी जी आप कहिए हम अपना सर कटा देंगे लेकिन वादा नहीं तोड़ेंगे। मैंने कहा लेकिन आपने मेरा, मैं क्या मांगता हूं वो तो सुना नहीं है। बोले आप कुछ भी कहिए हम पूरा करेंगे। और मेरे भाइयों बहनों, मैं देश के सामने पहली बार ये घटना सुना रहा हूं। मैंने उनसे कहा कश्मीर घाटी के पंच सरपंचों से मैंने कहा कि आप घाटी में ये आतंकवादी स्कूलें जला रहे हैं, इसको बंद करवाइए, किसी भी हालत में होना नहीं चाहिए। सबके सब पंच सरपंच ने मुझे कहा कि मोदी जी इसके बाद हम जान की बाजी लगा देंगे लेकिन आतंकवादियों को स्कूल जलाने नहीं देंगे। मैंने उनसे कहा था जब आतंकवादी स्कूल जलाता है तब इमारत नहीं जलाता है, आपके बच्चों का भविष्य जलाता है। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मेरे कश्मीर के घाटी के उस पंच सरपंचों ने आज 2 साल हो गए एक भी स्कूल जलने नहीं दिया है। आतंकवादियों को पकड़वा दिया, आतंकवादियों की खबर पुलिस को दी लेकिन स्कूल जलने नहीं दिया है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, गलती से भी अगर हमें लड़ाई जीतनी है, आतंकवाद को जड़ से उखाड़ना है, तो हम गलती न करें। आतंकवादी आतंकवादी हैं, कश्मीरी आज भी आतंकवादियों के कारण मुसीबतें झेल रहा है, वो भी उससे मुक्ति चाहता है, लेकिन पहले सरकारों ने ऐसे बीज बोए कि उनके सपने पूरे नहीं हुए। आज कश्मीरियों के सपने अगर कोई पूरा करेगा तो यही हिंदुस्तान करेगा, यही हिंदुस्तान की सरकार करेगी।